किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। जय श्री राम का नारा सुनकर पीएम के मन से दीदी के गुस्से की ज्वाला जो भड़की तो सियासत सुलगने लगी। बीजेपी ने पूछा, जय श्री राम के नाम से क्यों होता है ममता का अपमान? जय श्री राम हमारी संस्कृति की आत्मा है, देश की संस्कृति को अगर वो नहीं पसंद करती हैं और जय श्री राम और भारत माता की जय या वंदे मातरम से उनको इतनी अपमानित होना महसूस होता है, तो आप समझ सकती हैं कि वहां की जनता कितना अपमानित हुई होगी ममता बनर्जी के साथ में रहते हुए पिछले 10 सालों में। इसके बाद से ही ममता पर राम भक्तों का गुस्सा फूट रहा है। बीजेपी नेता विनीत शारदा ने तो ममता बनर्जी को सुपड़ का रूपी तक कह डाला। ममता बनर्जी, जिस तरीके से रावण युग में उनकी बहन सुपर्णखा रावण युग का अंत बनी थी और रावण युग को की समाप्ति हुई थी, उस समय के रावण युग में भ्रष्टाचार आतंकवाद चरम सीमा पर पहुंच गया था, तो सुपर्णखा ही उसका कारण बनी थी मर्यादा पुरुषोत्तम राम को अपने को लंका को भस्म करना पड़ा। यही ममता राज को खत्म करने का आज का ममता बनर्जी की सुपर्णखा रूपी ममता बनर्जी का यही ये अपमान, मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का अपमान बंगाल की जनता माफ नहीं करेगी। दरअसल नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं जयंती के दौरान पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी जब भाषण देने आई तो कार्यक्रम में जय श्री राम के नारे लगने लगे। नारे सुनकर ममता बनर्जी नाराज हो गयी और आगे बोलने से इनकार कर दिया। ममता ने 1 मिनट का भाषण दिया और मंच पर पीएम के बगल में जाकर बैठ गई। मेरे को तो लगता है कि गवर्नमेंट का प्रोग्राम का कोई डिग्निटी होना चाहिए। एक गवर्नमेंट का प्रोग्राम है, कोई पॉलिटिकल पार्टी का प्रोग्राम नहीं है, और पॉलिटिकल पार्टी का और गवर्नमेंट का पब्लिक का प्रोग्राम है। मैं तो आभारी हूँ प्रधानमंत्री जी का, कल्चरल मिनिस्ट्री का, कि आप लोगों ने कोलकाता में प्रोग्राम बनाया, लेकिन किसी को आमंत्रण करके, निमंत्रित करके उसको बेइज्जत करना, ये आपको शोभा नहीं देता है। मैं फिर आप लोगों को कहेंगे यही ऑन प्रोटेस्ट ऑफ दैट आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग। जय हिंद, जय बांग्ला। आपको बता दें कि श्रीराम को लेकर ममता सरकार और बीजेपी कई बार आमने सामने आ चुकी है। कुछ महीनों के भीतर पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। ऐसे समय में जब केंद्र सरकार ने नेताजी के जन्मदिन को पराक्रम दिवस के रूप में मनाने का फैसला लिया तो ममता बनर्जी ने इसे चुनावी फायदा उठाने की कोशिश करार दिया। ममता बनर्जी का आरोप है कि पराक्रम दिवस को लेकर पीएम मोदी ने उनसे कोई सलाह नहीं ली। इस बात को लेकर भी ममता अपनी नाराजगी जाहिर कर चुकी हैं। मेरठ से उस्मान चौधरी की रिपोर्ट, यूपी तक।